इंदौर के गांधीनगर स्थित देसी कलाली पर एक युवक नशे में धुत हालत में छोटी बच्ची यानी कि उसके भतीजे को कलाली साथ ले गया। कुछ समय बाद युवक नशे की हालत में वहीं बेहोश होने लगा। नशे में मदहोश खड़े न रहने की स्थिति में काका को देख मासूम बच्ची वहीं रोने लगी। युवक इस कदर नशे में धुत हो गया कि उसको यह भी पता न चला कि मेरे साथ 3 साल की भतीजी है। युवक पर इतना शराब का सुरूर चढ़ा था कि लोग पानी डालकर होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मामला शनिवार शाम गांधीनगर देसी कलाली का है। यहाँ एक युवक अपनी 3 साल की भतीजी को साथ में लेकर शराब पीने गया था। युवक ने इस कदर शराब पी कि उसे होश ही ना रहा और वहीं पर बेसुध होकर गिर पड़ा। युवक को सुध खोता देख बच्ची रोने लगी तो आसपास शराब पी रहे शराबियों ने बच्ची को चुप कराने की कोशिश की। इतने में वहां से गुजर रहे क्षेत्रीय पत्रकार पंकज परमार व समीर खान की नज़र पड़ गई। दोनों पत्रकार ने युवक को होश में लाकर पूछा कि बच्ची किसकी है तो शराबी युवक ने अपनी बताई। फिर पत्रकारों ने बच्ची से पूछा क्या यह आपके पिता है तो बच्ची ने इनकार कर दिया कि मेरे पिता तो घर पर है। दोनों ही पत्रकारों को मामला संदिग्ध लगा और सतर्कता बरतते हुए पंकज परमार ने गांधीनगर थाना प्रभारी संजय सिंह बैस को फोन लगाकर पूरे मामले की जानकारी दी। बच्ची का मामला सुनते ही थाना प्रभारी संजय सिंह बैस ने तुरंत थाने से पुलिस जवानों को मौके पर भेजा और शराबी युवक और उसकी 3 साल की भतीजी को थाने ले जाकर पूछताछ की, जहां बच्ची के पिता को सूचना कर थाने पर बुलाकर बच्ची के पिता के सुपुर्द किया। वहीं बच्ची पिता को देखकर खुश हुई।